Hallo. Unser Hauptmann, वाले सभी सदन की गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करते हुए हमारे निर्णायक मंडल सभी व्यवस्थाओं का प्रणाम करते हुए आज के विषय सशक्त राष्ट्र निर्माण में गांधी के विचारों की भूमिका के पक्ष में प्रबल पक्ष में अपने विचार रखना चाहता हूँ कि अनंत उदार आकाश में चिंता एक प्रसिद्ध पुण्य प्रज्वलित प्रसिद्ध पुण्य प्रभाव में जो तेजस्वीता लिए हुए भारत देश में जो तंत्र भारत देश में जो तंत्र चल रहा है वह हमारा लोकतंत्र है। गांधी के विचारों में राष्ट्र निर्माण में सबसे कोई मूल आधार है तो वह हमारा ही लोकतंत्र है। और मैं अपने इस विषय के प्रतिपक्षी मित्रों से यह कहना चाहता हूँ वो केवल गांधी को एक व्यक्ति मानते हैं, गांधी केवल एक व्यक्ति नहीं, गांधी एक विचार क्रांति का नाम है और विचार क्रांतियां साल नहीं साल नहीं शताब्दियों और युगों तक जिंदा रहती है और उसी परंपरा को निभाते हुए आप और हम सभी 150वीं शताब्दी महात्मा गांधी की बना रहे हैं। हम उसी विचार क्रांति को श्रीमान निर्णायक मंडल से विचार क्रांति केवल आपके कलेज के आस पर नहीं होती, विचार क्रांति में आपके कलेज नहीं होते, विचार क्रांति में प्रतीक होते हैं और महात्मा गांधी के प्रतीक के रूप में झाड़ू जी महात्मा गांधी के प्रतीक के रूप में चरखा था और महात्मा गांधी के प्रतीक के रूप में आज सामुदायिक प्रार्थना थी। तो आपकी उतनी ही प्रशासन लिंगिक है उतनी ही महत्वपूर्ण है उतनी ही पहले थी। आज आप देखिए चरखा स्वदेशी का प्रतीक है, आप देखिए चरखा स्वदेशी का प्रतीक है, आप चरखा स्वावलंबन का प्रतीक है। चरखा आज राष्ट्र निर्माण ग्राम स्वराज का एक प्रतीक रूप में और चरखे की सबसे बड़ा प्रतीक आज भारतीय खादी के रूप में प्रतिष्ठा और विश्व पहचान को चरखे से मिली है। अगर बात गांधी के झाड़ू की जाए गांधी के चश्मे की जाए तो इससे आपका छूटे नहीं है कि स्वच्छ भारत अभियान की एकमात्र योजना आज पूरे भारत में अगर इतना बड़ा जन आंदोलन बनी है तो उसका एकमात्र कारण गांधी और गांधी का विचार ही था जो आज इतने बड़े रूप में उस पटल पर आंदोलन माना जा रहा है। अगर सामुदायिक प्रार्थना की बात की जाए गांधी की तो गांधी ने सामुदायिक प्रार्थना के माध्यम से सत्य अहिंसा करुणा प्रेम की एकता की ऐसी माला बनाई जिससे सभी लोग एक आ सके बल्कि भेद मिट सके सभी में आपकी सामंजस्य हो सके। उन्हें पिछड़े अति पिछड़ों दलितों को हरिजन संघ कहकर उनका मान बनाया और उनको बराबरी का हक दिया। इसके बाद भी मेरे प्रतिपक्षी मित्र सहमत ना हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ अमेरिका के मानव अधिकार आंदोलन का नेतृत्व करने वाले माता नारायण सिंह जिनका एक कथन है ईसा मसीह ने हमको रास्ते दिए हैं केवल लक्ष्य दिए हैं और उनको प्राप्त करने का तरीका और उनको लक्ष्य प्राप्त करने के सिद्धांत एकमात्र है तो गांधी के विचार कर दिए हैं। तो याद दिलाना चाहता हूँ अल्बर्ट आइंस्टीन के बाप को तब नाम रामकुमार लोहिया से मिले थे तो उन्होंने पूछा रामकुमार लोहिया ने कि 18वीं और 19वीं सदी युद्ध के रूप में जानी जाती है आप हथियार के रूप में जानी जाती है, दूसरी तरफ परमाणु बम के रूप में जानी जाती है, दूसरी तरफ गांधी का अहिंसा को सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने उस समय कहा था कि गांधी का अहिंसा सबसे बड़ा हथियार है और आने वाली पीढ़ियां अल्बर्ट आइंस्टीन ने उसको कहा था कि आने वाली पीढ़ियां विरोध नहीं पर विवश हो जाएंगे कि महामार का बोलना ही है गांधी के लिए सबसे
शरीर के पक्ष पर एक खेल नहीं था और मेरे प्रतिपक्षी ने